तो टेबल्स में हमारे पास परमानेंट वाली जो होती है ना, वो क्रिएट करती है टेबल स्पेस। फिर उसके बाद यहाँ पे टेबल का नाम लिख देना आपने, ठीक है। उसके में ज़्यादातर क्या होता है, यूज़र और ऐप डेटा जो होता है, और उसके अलावा सिस्टम डेटा जो होता है, वो सारा कुछ स्टोर होता है परमानेंट वाली में, जो टेबल स्पेस है। अब आपने क्या डिफाइन करना है, सबसे पहले आपने बताना है क्रिएट टेबल स्पेस, टेबल का नाम लिख देना है कोई भी। यहाँ पे मैंने नाम लिखा है टीबी नेम, ठीक है। फिर उसके बाद डाटा फाइल TBS, और यहाँ पे आपने एंड बेस की एक्सटेंशन लगा देनी है। फिर उसके बाद उसका साइज डिक्लेयर करना है, जो कि हमने यहाँ पे 20 MB रखा हुआ है, और उसके बाद उसको कर देना है ऑनलाइन। देन उसके बाद आप क्रिएट कर सकते हो अंडू। अंडू की जो फाइल है, जो टेबल स्पेस है, उसको भी हम लोग बना सकते हैं। उसमें क्या करना है, आपने क्रिएट अंडू टेबल स्पेस, आगे उसका नाम लिख देना है, फिर उसके बाद उसका साइज़ बता देना है, और उसको ऑटो एक्सटेंड, यानी कि वो अगर बड़ी उसको करना चाहें, अगर टाइम की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, तो वो कर सकते हैं। और फिर रिटेंशन हमारे पास गारंटी में आ जाएगी। ये सारी की सारी जितने भी क्रिएटिंग और मैनेजिंग द अंडू, उसके लिए इस्तेमाल होती है। फिर उसके बाद होती है टेम्प्रेरी। कुछ ऐसी फाइल्स होती हैं जो हमें टेम्प्रेरी तौर पे चाहिए होती हैं, उसके लिए भी हमारा सिंटेक्स क्या, क्रिएट टेम्प्रेरी टेबल स्पेस, टेबल स्पेस का नाम लिख दिया टेम्प्रेरी फाइल, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने उसी टेबल स्पेस का दोबारा नाम लिखा डॉट TB, यहाँ B आना है, TBF, उसका साइज़ लिख दिया 5 MB, और उसके बाद ऑटो एक्सटेंड हमने उसका ऑन कर दिया। टेम्प्रेरी फाइल से कभी भी हम लोग SQL की कमांड जो हम लोगों को चाहिए होती है, तो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। डेटा फाइल्स हमारे पास जो है, वो एक टेबल स्पेस से बिलोंग करती हैं, और एक डेटाबेस। फिर उसके बाद आती है हमारे पास फिजिकल स्टोरेज डिवाइसेस के ऊपर डाटा फाइल्स पड़ी होती हैं। सेगमेंट्स हमारे पास होती हैं, वो इलॉजिकल हमारे पास टेबल स्पेस के अंदर पाई जाती हैं। लाइक अगर आपके एक्सटेंड है, वो ज़्यादा सारे मिलेंगे, तो वो सेगमेंट बन जाएगी। फिर सेगमेंट जो है, वो डाटा ब्लॉक्स छोटे छोटे मिलते हैं, तो आपके एक्सटेंड्स बन जाते हैं। और अगर थोड़ा सा बहुत पढ़ना हो, तो पॉज करके पढ़ लें, पॉज हटना हो। फिर उसके बाद आते हैं आपके ब्लॉक्स। स्मॉलेस्ट यूनिट जो है आपका स्टोरेज का, उसे हम लोग कहेंगे ब्लॉक, और इसका साइज़ फिक्स होता है अमूमी तौर पर, वो 8 KB का होता है। और जो है ना, हमारे पास बफर्स होते हैं उसके अंदर, SGA के अंदर, इसका और डेटा ब्लॉक का साइज़ सेम होता है। तो जो यहाँ के ब्लॉक है ना बफर के, उसके अंदर ये एज इट इज़ फिट आता है, इस वजह से ना काफ़ी आसानी हो जाती है। रो हमारे पास सिंगल रिकॉर्ड होता है, उसे हम टपल वगैरह भी बोलते हैं, और उसके अंदर मल्टीपल रोज जब इकट्ठी स्टोर होती हैं, तो एक सिंगल ब्लॉक बनाती है। जब सिंगल ब्लॉक बनता है, तो उससे वो ये ब्लॉक फाइल बन जाती है। फिर उसके बाद वो सारे मिला के बनते हैं एक्सटेंड, एक्सटेंड सारे मिला के बनते हैं हमारे पास सेगमेंट्स। फिर उसके अलावा हमारे पास बेसिक यूनिट्स होता है, डेटा मैनिपुलेशन सारी इसके ऊपर होती है। सारे ऑपरेशन जो है, हम अमूमी तौर पर रोज के ऊपर लगाते हैं। यहाँ हमारे पास कुछ हैं कमांड्स, इंसर्ट की, अपडेट की, डिलीट की। फिर उसके बाद ऑटोमेटिक स्टोरेज मैनेजमेंट। लाइक ऐसा था कि आपकी जो डेटाबेस थी ना, वो डिफरेंट फाइल्स के ऊपर स्टोर हो रही है, लेकिन अब जाहिर है एक टाइम पे ना एक वॉल्यूम आया, वॉल्यूम मैनेजर, ठीक है। उसने ना चीज़ों को ऑटोमेटिकली, जो हार्ड डिस्क के ऊपर स्टोर है ना, उसका एक पोर्शन जाता था वॉल्यूम मैनेजर के पास, तो वॉल्यूम मैनेजर चीज़ों को मैनेज कर रहा था। बट ओरेकल वाले ने एक स्पेशल ऑटोमेटिक स्टोरेज मैनेजमेंट, जिसका नाम ASM था, वो इंट्रोड्यूस कराया जस्ट फॉर ओरेकल। अब क्या है कि हमारी जितनी भी फाइल्स है, फाइल सिस्टम के ऊपर, हार्ड डिस्क के ऊपर स्टोर हो रही है। अब इसका अपना इंस्टेंस होता है, ये जो है ना सिस्टम मैनेजमेंट। तो इसने जो सबसे मेन काम किया, इसने मिररिंग का इफेक्ट था वो डाला, कि अगर आपकी एक फाइल के ऊपर एक चीज़ लिखी जा रही है, तो दूसरी जो हमारा हार्ड डिस्क है, सेम एज इट इज़ वही डाटा इसके ऊपर भी मिरर हो जाएगा। तो सारा का सारा जो था वो, ये हमारे पास ग्रुप है डिस्क का, एक डिस्क पड़ी है, दूसरी डिस्क पड़ी है, तो ऑटोमेटिकली सारा का सारा राइट हो जाएगा दूसरी डिस्क के ऊपर। ये सारा काम हो गया, इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको बार बार डाटा नहीं लिखना पड़ रहा, बार बार रिकवर नहीं करना पड़ रहा। कभी भी आपका डिस्क फेलियर हो जाता है, वो डिस्क ख़राब हो जाती है, तो आप उसको रिकवर कर लोगे। फिर उसके बाद स्ट्रिपिंग, यानी कि एक सिंगल डिस्क में डाटा को स्टोर नहीं किया जाएगा, एक डाटा जो है ना, उसको अलग अलग चीज़ों में स्टोर किया जाएगा। फिर सारा लोड एक पे नहीं पड़ेगा, जब ज़्यादा लोड एक पे नहीं पड़ेगा, तो फेलियर के चांसेस कम हो जाएंगे। इस तरह डिफरेंट डिस्क पे वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसके फीचर्स क्या हैं, कि वो सिंपल सिंप्लीफाइड स्टोरेज मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है, बिल्कुल सिंपल है। डायनेमिकली स्टोर, मतलब जितनी रिक्वायरमेंट होती है, उसके मुताबिक बढ़ता और कम होता रहता है।
फिर उसके बाद स्ट्रिपिंग एंड मिररिंग, सेम वही चीज़ आ जाती है कि आप उसे स्ट्रिप कर सकते हो और मैनेज कर सकते हो और उसकी मिररिंग कर सकते हो, यानी कि आप उसको डिफरेंट जगह पे रखते हो डिस्क के ऊपर और देन मिरर करके बैकअप क्रिएट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, सेम डाटा स्टोर हो जाता है। ऑनलाइन डिस्क रिकन्फिगरेशन और मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट इसका मेन कॉन्सेप्ट है। फिर आ जाते हैं क्रिएट अ टेबल स्पेस। टेबल स्पेस जो अभी हम पढ़ के आए हैं, क्रिएट टेबल स्पेस लिखा, फिर उसके बाद आप लोगों ने टेबल स्पेस का जो नाम रखना है वो लिख दिया, फिर लिखा आपने डेटा फाइल, फिर आपने क्या